हे व्हाट्सअप गाइस, यार आ चुका हूँ एक और न्यू इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो के साथ में। ऐसा स्टेटस आपने इंस्टाग्राम रील्स पे 100% देखा होगा। आप अपने फोटो के साथ या फिर वीडियो के साथ बना के अपलोड करोगे ना, तो आपके 100% व्यूज आने वाले हैं और फॉलोवर भी आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटस ना मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड भी करता हूँ और मेरे खुद के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और हर कुछ फोटो के साथ मैंने देखे हैं और उनके भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं यार। तो गाइस आप अपने फोटो के साथ जल्दी बना के अपलोड कर लेना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। और आप लोगों को सबसे पहले देखो करना क्या है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता रहता हूँ। 100% आपकी कोई ना कोई वीडियो तो वायरल होगी गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कमेंट भी करना है, कुछ भी कमेंट कर देना है, बट कमेंट करना है, ठीक है। आप ये कमेंट कर देना कि भाई मैंने सब्सक्राइब कर लिया, कुछ भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद है ना आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना गाइडलाइन के खिलाफ है इस वजह से, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे नाइन वाला रेशियो ले लेना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में ना आपको अपनी एक कोई सी भी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, वो कैसी भी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप अपना फोटो ले सकते हो। कैसे, आपको मीडिया के ऊपर जाना है, मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ से मैं ये वीडियो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये वीडियो ऐड कर लिया, अगर आप ऐसा वीडियो या कैसा भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो अच्छी बात है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो आपको यहाँ से इसको कट कर देना 3 सेकंड में, 3 सेकंड, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 सेकंड और यहाँ पर सेकंड के बाद में 249 सेकंड और है, ठीक है। और अगर आप फोटो लेते हो तो फोटो की भी लेंथ आपको इतनी कट कर देनी, ठीक है। कट करने के बाद है ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना कहीं यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को एक वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना जिसके अंदर से अपन को ऑडियो लेना है, ठीक है। वो ऑडियो है ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के बराबर में आ जाना है और आपको यहाँ से लेयर पर जाना है और आपको यहाँ से मीडिया पर जाना है। फिर इसके बाद आप इस वीडियो को यहाँ से ऐड कर देना, जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन, यहाँ से आप इसको कर लेना और यहाँ से इस वीडियो को डिलीट कर देना, इस वीडियो का जो है ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। इसकी लेंथ ज़्यादा करने के बाद में ना आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाना है। इसके बाद आपको एडिटिंग पर आना है, एडिटिंग पर आने के बाद में ना आपको यहाँ पर फिल स्क्रीन पर इसको ऐड करना है और आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ पर गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को आपके जो बेस्ट फोटोज है ना उसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर गाइस सिर्फ फोटो आएंगे तो आपको अपना बेस्ट फोटोज कोई सा भी ऐड कर देना है। तो चलो जैसे कि मैं यहाँ से 4 फोटो ऐड कर लेता हूँ, आपको 4 फोटो ही ऐड करने, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इन फोटोज़ पर आ जाता हूँ, मैंने एक फोटो ये वाला ले लिया, एक फोटो इसको ले लिया और एक फोटो ये और एक फोटो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। 4 फोटो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एक, यहाँ पर 4 डॉट लगाने हैं आपको, ठीक है। या तो फिर आप 4 डॉट लगा लो या फिर आप यहाँ से इसको कट कर लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक फोटो के साथ में एक तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी कट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आपको सेकंड वाला यहाँ पे जाना है, यहाँ जाने के बाद में ना आपको क्या करना है, यहाँ से फोटो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ना कैंची के ऑप्शन पर जाना है और आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में एक और आपको यहाँ मिलेगा, इसके बाद यहाँ पर भी आपको जाना है और इसके बाद आपको कैंची के ऑप्शन पर जाकर वापस सेम ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आपको वापस से यहाँ जाना है और इसके बाद वापस आपको कैंची के ऑप्शन पर जाना है, ट्रिम टू राइट कर देना है और इसके बाद आपको एंड के अंदर ऑडियो पर आ जाना है और इस फोटोज़ को आप लोगों को यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा बीट मिलेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको ये सब बीट मिलेगा, ठीक है। आप बीट देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पर इस जगह, ठीक है। इस जगह देख सकते हो आप, इस जगह, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो को कट कर देना है। अब यहाँ पर आपका स्टेटस वीडियो अच्छे तरीके से कंप्लीट बन चुका है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक तो आपके स्टेटस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद है ना आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने फोटोज़ पे क्लिक करना है। अब आप अपने फोटो पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक पर जाना है। आप लोगों को यहाँ पर एक एनिमेशन मिलेगा कॉल मी डीजे का, ये आपको काइंड मास्टर में ऑलरेडी नहीं मिलेगा। आपको ये कहाँ मिलेगा, आप एक बैक आओगे, आपको नीचे एक एप्लीकेशन मिलेगा यहाँ पर बीट सीन्स वाला, ठीक है। बीट सीन्स वाला जहाँ मिलेगा, या तो फिर आप एक काम करना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लेना कॉल मी डीजे वाला, ठीक है। उस वीडियो को जाकर देख लेना, बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आए, ठीक है, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आए कॉल मी डीजे वाला, तो आप कोई और सा इफेक्ट जाके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर ओवरले एनिमेशन मिलेगा 4, 3, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके बाद आपको स्विफ्ट लाइन वाला भी वहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा एक इन एनिमेशन, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे एनिमेशन मिलेंगे। आप जो ऐड करना चाहो आप वो ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने जो बताया ना वो मैंने कॉल मी डीजे वाला बताया है, मैं कॉल मी डीजे वाला ही ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि कॉल मी डीजे पे गया और मैंने यहाँ पे थर्ड वाला यूज़ करा, ठीक है। सेकंड वाले फ़ोटो पे गया, फिर वापस से क्लिप ग्राफिक पे गया और मैं यहाँ पर कॉल मी डीजे पे गया, थर्ड वाला ऐड किया, फिर मैंने थर्ड वाले फ़ोटो पे गया, कॉल मी डीजे पे गया
और ये वाला में मैंने यहाँ पर 3 वाला एड यूज़ कर लिया, और ये लास्ट फोटो पे भी मैं सेम वही चीज़ करूँगा जो मैंने बाकी में की थी। ये आपके कंप्लीट तरीके से स्टेटस वीडियो बन चुका है जैसे कि अभी आपने देखा। अब देखो बहुत से लोगों को दिक्कत आती है या फिर बहुत से लोगों को जोर भी आता है कि अब उसको जाकर डाउनलोड करो इससे बढ़ाया तो मैं स्टेटस बनाऊँ नहीं। तो यार आप मेरे हिसाब से ना आप उसको जाकर डाउनलोड कर लेना कॉल मी डीजे वाले, मतलब उस वीडियो को देख लेना मेरी, या तो उस वीडियो को देख लेना या फिर आप एक काम करना कोई और सा एनिमेशन आप डाउनलोड कर लेना। आप लोगों को वो एनिमेशन डाउनलोड कहाँ से करने होंगे, क्लिप ग्राफिक पे जाके आपको जाना होम पे, इस पे जाना है एसएस स्टोर पे, और यहाँ पर आपको ये एनिमेशन के सारे एनिमेशन के मिल जाएंगे, जैसे इन एनिमेशन के आउट एनिमेशन के सारे मिल जाएंगे। ठीक है अब चलो अपन गाइस मेरा स्टेटस वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो चलो अब मैं वीडियो को प्ले करके देखता हूँ। अब गाइस देखो वीडियो को ना प्ले करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको ना अपने जो वीडियो ना इसके यहाँ पर आपको एक बार आना है, ठीक है बीच के अंदर आ जाना है। बीच में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड लेना है ब्लैक कलर का, ठीक है ये ब्लैक कलर का मैंने बैकग्राउंड ले लिया। इसके लिए आपको फुल कर देनी है, ठीक है फुल करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को नीचे नीचे ब्लेंडिंग पर आना है और आपको इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद है ना आप लोगों को क्या करना है, आपको एक बैक आना है। एक बैक आने के बाद आप लोगों को यहाँ से इसके अंदर ओवरले एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसके अंदर ब्लिंक वाला शो कर लेना, ठीक है ब्लिंक वाला, या फिर आप इसके अंदर फ्लिकर वाला कर लेना। फ्लिकर वाला ही करना है कहता है आपको, ठीक है ब्लिंक वाला नहीं आपको फ्लिकर वाला करना है। इसके बाद आपको वीडियो के पास आ जाना है और आगे के बैकग्राउंड को यहाँ से आपको रिमूव कर देना है, ठीक है इस तरीके से। तो चलो गाइस अब अपन वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो यार आप देख सकते हो तो आपका स्टेटस वीडियो भी इस तरीके से कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। और अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आया हो तो यार आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर अपलोड करना और आप इसको बिल्कुल कंप्लीट बना लो। देखो सबसे पहले बात यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी ये वीडियो नहीं ना अगली वीडियो आपकी 100% वायरल होगी। तो यार गाइस इतना था इस वीडियो में, आप मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर